हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ येट अनदर मॉर्निंग इन मनाली। ठंडी ठंडी में हम लोग अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। से हाय। हेलो। हाय। अगर आपने मेरे कैमरा को देख के स्माइल नहीं की तो मैं आपके कैमरा को देख के स्माइल नहीं करूंगी। डील। खाना खा लेते हैं और उसके बाद हमें निकलना है अपने पहले शॉट के लिए। और पहले शॉट के लिए एक बहुत क्यूट सी चीज आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। निकल गए हम लोग अपने फर्स्ट शॉट के लिए। फर्स्ट शॉट के लिए ना मैंने अभी ये ना ट्रैक सूट ही पहना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट और क्यूट चीज बताती हूँ क्या है। हस्की आ रहा है, एक लड़की है वो हस्की लेके आ रही है अपना, और शॉर्ट ही हस्की के साथ होने वाला है, बच्चा होगा हमारे साथ। तो मुझे उसमें ट्रैक सूट ही पहनना है, क्योंकि वो है ना मॉर्निंग वाला शॉर्ट है, रनिंग करते हुए। पता नहीं कितने जमाने हो गए वैसे मुझे रनिंग किए हुए। लॉकडाउन के टाइम पे ना, जिन लोगों को शिमला का आइडिया होगा, मैं बताती हूँ, मैं सेक्टर 3 से दौड़ती थी और क्लिनी तक, मतलब मैं डेली मॉर्निंग में रनिंग करती थी। और मैं इतनी फिट होती थी ना, मतलब मुझे जितना मर्जी चला लो क्योंकि स्टेमिना बिल्ड किया हुआ था। अब 4 सीढ़ियां चढ़ाओ और उसके बाद दवाइयां खाओ, दिमाग खराब। अभी मॉर्निंग में भी मैं पेन किलर और पेंटासेक खा के आई हूँ, इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शूट तो निकालना ही है ना यार। शूट पे पूरा टाइम ऐसे बीमार थोड़ी रह सकती हूँ। रात को आपने मेरा फेस देखा था, मेरे फेस पे एकदम से दिखने लग जाता है फिर कि मैं बीमार हूँ। अभी जस्ट मैंने कंघी नहीं की है, सिर्फ कंघी करनी है और बाकी मैं रेडी हूँ। पहुँच गए हम अपनी पहली जगह पे। एंट्री फीस 20 रुपीज, बिना टिकट प्रवेश ना करें। इन लोगों ने तो सच में मेरा मॉर्निंग वॉक करा दिया यार, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। हम तब से चले जा रहे और ये प्रॉपर ऐसे पेड़ से कवर्ड जगह है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो ठंड अलग से लग रही है मुझे। और आज का दिन फिर भी धूप है, वेदर अच्छा है। कल से फिर मनाली में स्नोफॉल होने वाली है, मैं कल रात को ही चेक कर रही थी, क्योंकि रात को पहले -3 गया, फिर -4 गया, फिर -5 गया टेम्परेचर। तो फिर मैं देख रही थी कि बर्फ ही ना बढ़ जाए आज। हाँ फिर सॉरी यार, बट कल से फिर बर्फ पड़ने वाली है। पहुंच गए। और एक चीज और ब्लॉग करता है कि नेचर को खराब ना करें इस तरह के। देखिए नीचे कैसे नेचर को खराब किया लोगों ने, यहाँ पार्टी की है, बियर्स की बॉटल, कोई चिप्स के पैकेट्स। देखिए ये ऐसी हरकतें करके हमारे हिमाचल को बर्बाद मत करो, यहाँ पे कूड़ा मत फेंको। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। क्या मतलब है यार, इतना प्रिटी जंगल है और आप वो खराब कर रहे हो। प्लस एक और दिक्कत होती है, जो बियर की बॉटल्स यहाँ पे लोगों ने फेंकी है ना, वो टूटी हुई बॉटल्स और ये सब चीज़ें वो किसी भी जानवर के पैर में चुप सकता है यार। तो ये मत करो, ये सच में बहुत गलत बात है। मैं हार मानने वाली हूँ, हाथ रेड, देखो ठंड से। बाय गॉड, एक और प्राणी थक चुका है कोई। कितना चले हम अभी तक? 1.5 किलोमीटर दूर। हम 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। उफ गॉड, हालत खराब हो गई। देखो मुझे क्या दिखा, वो रहा हस्की। धीरे धीरे फ्रेंडली होगी एकदम से। एक चीज सोच के देखो कि अगर मैं व्लॉग ना बनाऊं साथ, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि एक शॉट लेने के लिए हम कितना चल के आए हैं। 2 किलोमीटर हो गए अब तो। दो हो गए, 2 बहुत आराम से हो गए हैं, और लोगों को कुछ पता नहीं चलता ऐसे। हम इतना एक एक शॉट के लिए इतना चल के जाते हैं। कल भी तो कितना चले हैं, कल भी बहुत ज़्यादा चले हैं हम, बट इससे ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा ही हो गया। चोको देखो यार, ये कहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। ओह शिट शिट, ये मैं लाइव पहली बार देख रही हूँ ऐसी चीज़। घंटी नहीं है। अरे वाह 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 वाह, हंसते हुए जा रहा है। एक और आया, ओह शिट यार, खतरनाक बच्चे है ये भाई साहब, पहाड़ी बच्चे, इनको बोलते पहाड़ी बच्चे है ना। गया था पहले, अरे मुझे भी पीछे से आवाज आई, मुझे लगा कोई जंगली जानवर आ रहा है दौड़ता हुआ। तो आप सब हाय बोलो, तो हाय आप लोग भी बोलो हाय यार। ये बड़े
मस्त बच्चे हैं, मजेदार बड़े मजेदार बच्चे हैं सारे के सारे। मुझे जगह नहीं दोगे अब आप लोग? थैंक यू। ओके बाय बाय। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। बाय। बच्चे मुझे अपने चैनल का नाम बता के गए अभी चलते चलते, तो छोटे छोटे भी व्लॉगिंग करते हैं, बट यार करनी भी चाहिए, टैलेंट है तो क्यों ना करो। मेरे तरह कम से कम पैदल मेरी तरह पैदल चल के रोते रोते तो नहीं दिखा रहे ना कि अब हम 2 किलोमीटर चल पड़े, अब हम 3 किलोमीटर चल पड़े। कितने टैलेंट वाला कंटेंट बना रहे हैं लोग। एक बात सच्ची सच्ची बताओगे, झूठ मत बोलना, हम लोग इसी रास्ते से गए थे ना और हम वापस आए हैं ना। देखो मुझे पूरे रास्ते में लग रहा था कि हम चलते हुए कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ये बोलोगे ना आप, हो रहे थे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमने सोचा कि थोड़ा सा आपसे वॉक करवाया जाए। चल दे जी, हमने मेरी तबीयत ठीक करवाई। हाई फाइव। सो क्यूट डेजी, अटैक मतलब मेरे ऊपर नहीं। एक मिनट पकड़ोगे डेजी? चलो अटैक करेंगे, चलो अटैक करेंगे, अटैक डेजी, अटैक डेजी, बाप वो मतलब मेरे ऊपर नहीं यार, मेरे ऊपर डेजी, अटैक अटैक डेजी, भौंकने के लिए बोलो तो बाक बाक डेजी अटैक, पर भौंके अटैक डेजी, अटैक अटैक डेजी। वो देख रही है कि अटैक करना किस पे है, अटैक किस पे अटैक करना है डेजी, आंटी पे नहीं कर देना अटैक, आ जा आ जा। कोई भरोसा नहीं है, पर चलो सोचे आंटी आई है कि आंटी पे अटैक करना है। वो सच में ढूंढ रही है, पता है कि किस पे अटैक करना है। कि मेरे ओनर ने बोला अटैक तो कोई तो होगा अटैक करने के लिए। पिक्चर नहीं खिंचवाई इस लड़की ने मेरे साथ अच्छे से। डेजी डेजी रन रन डेजी रन, नहीं मुझे खींच दे यहां से नीचे। डेजी डोंट रन डेजी, गिव मी अ हाई फाइव। क्रेजी क्रेजी क्या डेजी, हाई फाइव डेजी, हाई फाइव। नहीं ग्रीजी, ग्रीजी मेरे डॉगी का नाम है ना, तो मैंने वो बोल दिया। जी को पता चल गया है कि मेरा शूट चल रहा है, तो कैमरा देख रही है बीच बीच में। बस यहाँ से सीन हो गए। डेजी क्या हुआ? अब डेजी को गुस्सा आ रहा है, बड़े आए तुम सब मुझे ले जाने वाले, ले ले ले, मैं खुद जाऊंगी। चलिए बाय डेजी। अरे पट्टा तो खो मामा, अरे क्या कर रही है वो, खोल दो खोल दो, इसका पट्टा खोल दो, छोड़ देता ना। जाओ गो, ये पता अकेले घूमती है जंगल में। ओके डेजी के जाने का टाइम हो गया है और वो लोग उस डायरेक्शन में चले गए, और अब हम अपने दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैकेट्स तो ली नहीं, जैकेट वो पेड़ के पीछे छुपाई हुई है, वहीं छुपी भी रह जाती है। अभी इंच करके अपने दूसरी लोकेशन पे आ गए, और मैंने ना बड़ा खतरनाक सा काम किया, मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैंने ना हील्स के अंदर से सॉक्स पहन के रखी हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये प्रॉपर नीचे होता है ना तो ये दिखना तो है नहीं इतना ज़्यादा, तो मैंने सॉक्स पहन लिया। पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा तो मुझे नहीं पता, बट मैंने सॉक्स पहन ली। ये अरे दौड़ गया ना उधर से, ठीक है ये रही हमारी लोकेशन सेकंड, और नीचे पानी ही पानी, और यहाँ पे लोग कपड़े भी धो रहे हैं। ठंड करंट लगा, करंट लगता है लगती नहीं है, है निकल रहे हम यहाँ से, हमारे यहाँ के शॉर्ट्स भी पूरे हो गए। अब तो पुलिस वाले शॉर्ट्स बचे हैं ना, पुलिस वाले शॉर्ट्स बचे अब तो। पीछे ब्रेक लेके खाने आ गए, जिसमें इनका 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 और इनका नॉन वेज खाना आ गया, और मेरे वेज मोमो और वेज टिक्का आ गया। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और थोड़ा सा मेरे अंदर की फीलिंग भी चेंज हो गई है इसके हिसाब से, तो मेरा हंस के बात करने का मन नहीं कर रहा था मेरे वैसे। अगर असली में पुलिस वाली होती ना सर मार रहा था ना मैंने लोगों को पकड़ पकड़ के, मैं बता रही हूँ। बट मेरी ड्रेस देखो कैसी लग रही है,
एक प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम ये हुई कि लाइट डिम हो गई है, तो जो शॉट मतलब मेरा लास्ट ही शॉट बचा था, तो मैंने चारू दीदी को और पारस को बोल भी दिया कि हाँ मैं आज वापस निकल जाऊँगी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि लाइट डिम हो गई और वो शॉट अब आज आ नहीं सकता, अब उसके लिए मेरे को फिर से एक कमरे रुकना पड़ेगा और वो कल ही आ पाएगा शॉट। गाइस हाय अगेन, मैं खाना वाना सब खा के आ गई हूँ, उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज वगैरह किया, सारा वो सब चीज़ें, और अब मैं सोने वाली हूँ। बट मैं आज ये नोटिस कर रही थी कि मैंने अगर ये सब चीज़ें कर ली ना, कल तो मेरा मूड होने का भी बिल्कुल वो नहीं था, सिर्फ मैंने वेट वाइप से साफ़ किया था, मैं सो गई थी दवाई खा के। आज मैंने प्रॉपरली दवाई खा ली, खाना खा लिया, मेकअप रिमूव करके प्रॉपरली फेस वॉश कर लिया, मॉइस्चराइज भी किया, और उसके बाद आराम से मैं अपने ना सुबह के लिए कपड़े वो करके सेट करके सॉक्स वगैरह निकाल के प्रॉपरली रख के उसके बाद सोई हूँ। तो आज मेरी हालत कल से तो ठीक है इसका मतलब, बट स्टिल ख़राब ही बोलते हैं इसको, क्योंकि पेन तो स्टार्ट हो गई थी पीठ में, वो सुबह से पेन किलर का असर था वो ख़त्म हो गया था। तो अब मैं सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कल जल्दी से जल्दी शूट फिनिश हो, ताकि मैं निकल पाऊँ टाइमली चंडीगढ़ के लिए, अदरवाइज़ मैं टाइमली निकल नहीं पाऊँगी फिर। तो कल मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा, मुझे सब खटखट करके सबको उठाना पड़ेगा कि जल्दी उठो जल्दी शूट करते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बाय।